सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। इसलिए ये प्रूफ है कि यीशु आपसे प्रेम करता है। जो आपसे प्यार करता है वो चाहता कि आपको कष्ट हो, वो चाहता कि आप बीमार हो, वो चाहता कि आप दुख से होकर गुजरें। लेकिन फिर आप दुख में क्यों हैं, कष्ट में क्यों हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको निखारना चाहता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह, बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु तुम्हें प्यार करता है। एक वचन पढ़ो, योहन्ना की अंजील 11 अध्याय उसके 3 वचन में। उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा है। बाइबल में लिखा दो बहनें थी। कितने लोगों ने सुना इस वचन को? दो बहनें थी, एक का नाम मरियम था, दूसरी का नाम क्या था? ये दोनों बहनें यीशु मसीह के पास आती हैं और क्या कहती हैं, पढ़ेंगे दोबारा। अत उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हाँ हाँ, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है। हे प्रभु जिससे तू प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। जोर से बोलो, प्यार करता है। जोर से बोलो, प्यार करता है। तुम मत बोलो, जोर से बोलो। क्या मरियम मार्था ने प्रभु को क्या कहा? हे प्रभु जिससे तू क्या करता है? नफरत करता है, फॉर्मेलिटी करता है, अकेले को मुसीबत में छोड़ता है, दुख कष्ट में छोड़ता है, क्या करता है? उन्होंने कहा प्रभु जिसे तू प्यार करता है क्या हुआ, पढ़ेंगे? वह बीमार है। वह बीमार है। कमाल हो गई है, जिसे यीशु प्यार करता वो बीमार हो गया। इसका मतलब यीशु आपसे प्यार करता है तो क्या आप बीमार नहीं हो सकते? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी? बोलो हालेलुया, हालेलुया। लाजर को यीशु प्यार करते हैं, लाजर बीमार हो गया। यहां पर कोई है जो बोलता है मेरे को प्रभु प्यार नहीं करता है? कोई है यहां पर? कोई हाथ दिखा सकता मुझे जो बोले प्रभु मुझे प्यार नहीं करता? मैं तो थोड़ा घटिया सा इंसान हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, प्रभु मुझे प्यार नहीं करता। कोई है ऐसा व्यक्ति? सबको प्यार करता है, एक एक को प्यार करता है। जो उसे मानता और जानता भी नहीं वो उससे भी प्यार करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लाजर को यीशु प्यार करता और उसकी बहनों ने कहा प्रभु तेरा दोस्त लाजर जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को पता था कि लाजर बीमार हो गया है। प्रभु यीशु लाजर को चंगा करने के लिए नहीं गए। आज भी आपके जीवन में कभी कभी आप दुख में, अपमान, निंदा और कष्ट में होते हैं, लेकिन प्रभु आपको जानबूझकर चंगा नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु ने कहा अपने चेलों को मैं उसे जगाने के लिए जा रहा हूं। चेलों ने सोचा कि शायद लाजर गूढ़ी नींद में सोया हुआ है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लाजर मर चुका है, क्योंकि वचन में यीशु ने कहा यह इसलिए मरा कि मैं इसको जगाऊं और परमेश्वर की महिमा हो जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज परेशानियां कभी कभी आपके जीवन में महिमा के लिए आती है। कभी कभी मिनिस्ट्री में अड़चनें पैदा होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कई बार पुलिस वाले, पॉलिटिकल लोग, कई बार शैतानी लोग या शैतान लोगों के बीच में से होकर सेवकाई में प्रॉब्लम डालना शुरू कर देता है, लेकिन उस प्रॉब्लम से भी हमारे लिए प्रभु चमत्कार कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लमों को प्रॉब्लम ना समझे मेरे प्रियो, प्रॉब्लम कई बार आपके लिए गवाही पैदा करती है। अगर दानियल शेरों की मांद में ना जाता तो क्या शेरों का एग्जाम्पल आज दिया जाता? लाल समंदर का एग्जाम्पल दिया जाता? कौन कहता कि परमेश्वर समंदर को दो हिस्सों में बांट सकता है? क्योंकि लाल समंदर में वो गुजरे और प्रभु ने रास्ता निकाल दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम परमेश्वर की ओर से आपको मजबूत, आपको परखने के लिए हो सकती है, लेकिन धीरज ना छोड़ें, हौसला ना छोड़ें, अपने विश्वास को ना डोलाएं, प्रभु पर ईमान रखें, क्योंकि प्रभु जो भी करता है अपने बच्चों के लिए अच्छा करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो कहानी कितने लोगों ने सुनी है, एक राजा था और वो राजा
जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता और उसका एक सिपाही, उसका सैनिक, उसके साथ जो उसका पीए था वो उसके साथ रहता है। और उसके पीए को, उसके सैनिक को बड़ी आदत थी, वो हर बात में कहता है परमेश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। किसी का बुरा भी हो जाए तो उसने यही बोलना है परमेश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। कितने लोगों को समझ आ रही है। एक बार राजा जंगल में शिकार करने के लिए चला गया और वो भी उसके साथ था। एक जानवर ने राजा के ऊपर हमला कर दिया और उसने उसकी उंगली को खा लिया और वो बोला परमेश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। उसने अपने सिपाही, अपने सैनिक को दंड दिया, उसे जेल में बंद कर दिया कि ये मनहूस मेरे साथ रहता है और हर वक्त परमेश्वर 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 ही करता रहता है, इसको जेल में बंद कर दो। और सुनो ध्यान से, वक्त आया, टाइम आया कि उस राजा को जंगल में गुम होने की वजह से कुछ आदिवासियों ने गिरफ्तार कर लिया और उनके बलिदान का दिन था जिस दिन वो किसी आदमी का सैक्रिफाइस अपनी देवी के सामने करते थे। आज वो राजा का सैक्रिफाइस करने लगे, जैसे ही वो राजा को मारने लगे एक बंदे का ध्यान उस राजा की उंगली की तरफ चला गया, क्योंकि जो व्यक्ति अपाहिज होता था, अंगहीन होता था, उसका बलिदान नहीं कर सकते थे। आज जब उंगली की तरफ ध्यान गया वो बोले रुको रुको, अपनी भाषा में बोलने लगे हम इसे बलिदान नहीं कर सकते, इसे मार नहीं सकते, हमारी देवी इसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि इसकी एक उंगली नहीं है। मेरे प्रियो, एक उंगली ना होने की वजह से उस राजा की जान बच गई और राजा ने सोचा सचमुच मेरा सैनिक जो मेरा पीए मेरे साथ रहता है उसका परमेश्वर भला है अच्छा है, क्योंकि खुदा जो करता है अच्छा ही करता है। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ध्यान से सुनो, परमेश्वर जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। परमेश्वर ने आपको जिस भी हालात में रखा है उस हालात में उसकी इच्छा है, क्योंकि वो जानता है अगर आपको तेज स्पीड वाली कार मिल गई आप उसे नदी में फेंक दोगे। उसको पता है अगर आपको ज्यादा पैसे मिल गए आप शराब पी पी के लीवर खराब कर लोगे। उसको पता है अगर आपने उसको ज्यादा ब्लेस कर दिया आप व्यभिचार और पबों और क्लबों में जाना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए पहले वो आपको अय्यूब की तरह, अब्राहम की तरह आपको स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना चाहता है, फिर वो आपके ऊपर आशीषें बरसाना स्टार्ट करेगा। बोलो हालेलुया। आप फिर ऐसी आशीषों को पाकर दूसरे का भला करोगे, मदद करोगे, ब्लेस करोगे। इसलिए कष्ट में, दुख में प्रसन्न हो जाओ, इस चीज के लिए खुश हो जाओ। अगर मेरी इनकम कम है, मेरी जॉब चली गई है, मेरी पोटेंशियल्स नहीं है, मेरी फाइनेंशियल डोर्स बंद हैं, तो परमेश्वर की इसमें इच्छा हो सकती है। अगर राजा की उंगली ना कटती तो आज राजा का सब कुछ कट जाना था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया क्योंकि एक बंदा यही कहता था परमेश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। आज परमेश्वर आपके लिए जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। बोलो आमीन। आपके लिए परमेश्वर ने भला सोचा है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। क्या करता है? वो आपसे प्रेम करता है। लाजर को यीशु प्यार करता था, लाजर बीमार हो गया, लाजर बीमार हो गया क्योंकि लाजर परमेश्वर का मित्र, यीशु का मित्र था। आज मैं यीशु का मित्र हूं इसलिए मेरे ऊपर प्रॉब्लम जारी है। मेरे लिए इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैंने गलत काम किया, मैंने कोई किसी का नुकसान किया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे ऊपर इसलिए समस्या आई क्योंकि मैंने सच का प्रचार किया। आपके ऊपर जब सच्चा और अच्छा काम करते हुए प्रॉब्लम आती है आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय लोग बन गए हैं। बोलो हालेलुया। शैतान आपको एक्सेप्ट नहीं करता, आपको कबूल नहीं करता क्योंकि आप शैतान के काम करना छोड़ चुके हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए वो क्या कहते हैं, तुम नदियों से होकर जाओगे, नदी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती, आग तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे क्या रहूंगा। बोलो क्या रहूंगा। कितने लोगों ने महसूस किया प्रभु आपके साथ रहा, सबने महसूस किया। बोलो हालेलुया। कितने लोग महसूस करते हैं वो आज भी आपके साथ है, वो आपको आपके घर से यहां तक लेकर आया। कितने लोग महसूस करते हैं, कितने लोग फील करते हैं जब आपके पास पैसे नहीं थे प्रभु ने इंतजाम किया। कितने लोग फील करते हैं जब आपकी लड़ाई हुई, डिवोर्स होने वाला था, परमेश्वर ने बचाया, बीमारी से बचाया, परमेश्वर ने हॉस्पिटल में आपको बचाया, कोरोना की रिपोर्ट को नेगेटिव किया। कितने लोग बिलीव करते हैं, नहीं तो डॉक्टर आपको भी टीका लगा के आगे भेज सकता था लेकिन प्रभु ने आपको बचाया क्योंकि वो वचन के मुताबिक नदियों से, आग से होकर गुजरने के बाद भी आपके साथ है। बोलो आमीन। इसलिए कष्ट के समय में डिस्करेज ना होए,
अक्सर में लोग एक दूसरे को नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, तू चर्च जा रहा है तू ठीक तो हुआ नहीं, तू परमेश्वर को मान रहा है तू ठीक तो हुआ नहीं, अरे 40 साल तू शैतान को मानता था, 50 साल से तू मूर्ति पूजा कर रहा था, 20 साल से तूने जगह जगह जीवन भटकने वाला दिया, अब 2 महीने में तू यीशु मसीह से क्या चाहता है? परमेश्वर तुझे अंदर से प्रिपेयर कर रहा है, वो तेरे हृदय को मजबूत कर रहा है, बोलो हालेलुया। परमेश्वर तेरा हृदय चेंज कर रहा है, बोलो हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हैं आपका जीवन गंदगी से शैतान की चीजों से भरा होता है, परमेश्वर आपको चेंज करता है। एक बंदा था, वो उसको जानवर रखने का बड़ा शौक था, कुत्ते तरह तरह के, भैंस गायें बिल्लियां, उनको जानवर रखने का बड़ा शौक था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा है, बड़ा अमीर था, उसने एक सूर को देखा, उसने बोला यार सूर को घर में रखना है। उसने अपने नौकर को बोला जल्दी से जाओ इसके मालिक का पता करो, सूर को खरीदो और घर में लेकर आओ। उसने मालिक को पैसे दिए, सूर को घर में लेकर आ गया। जैसे ही सूअर घर में आया उसने बोला ऐसा कर इसको नहला, शैम्पू लगा, व्हाइट कलर के अच्छे महंगे टॉवल से साफ कर और मेरे बेडरूम में ले जा इसको, आज ये सूअर मेरे साथ सोएगा। कितने लोगों को मेरी बात सुन रही है? आज ये सुअर मेरे साथ सोएगा। सुअर को घर में लेके आए, उसको अपने बेडरूम में लिटाया, ऐसे ऐसे कर रहा है वो, आवाजें निकल रहा है। वो मालिक सोच रहा है यार ये सुअर साफ भी हो गया अच्छा भी हो गया, लेकिन ये अपने खुर 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 बंद नहीं कर रहे, क्योंकि वो उसकी आदत होती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अब क्या हुआ, वो बोला चलो अब हम शॉपिंग करके आते हैं। सुअर के गले में अच्छा महंगे वाला पटा डाला, संगल डाला और सुअर को साथ लेकर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही सुअर को एक गंदा नाला दिखाई देता है, सुअर भाग कर जाकर उस गंदे नाले में घुस जाता है और जाकर उसमें स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है। मालिक अपने नौकर को गुस्से होता है, तुझे बोला इसकी रखवाली करने के लिए, वो नाले में चला गया, जल्दी से उसको फिर बाहर निकाल के ला, उसको साफ कर, फिर अच्छे वाइट टॉवल से नहला, शैम्पू लगा, चल फिर उसे मेरे बेडरूम में जाकर लिटा दे। उसने फिर किया, दूसरे दिन वो फिर गए, वो फिर जाके पानी में घुस गया, फिर निकाला, फिर नहलाया। और एक दिन क्या हुआ, जो उसके जानवरों का डॉक्टर था वो उसके घर में आया, उसने डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर साहब ये सुअर को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, मैं इसे बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन ये बार 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 गंदगी में जाता, नाले में जाता है। डॉक्टर ने बोला देखो भाई ये कभी सुधर नहीं सकता है, इसका स्वभाव इसका मन ही ऐसा है। उसने बोला फिर इसका हल क्या होगा? बोला ऐसा करता हूं इसका ऑपरेशन करके सुअर का मन निकाल देता हूं और भेड़ का मन डाल देता हूं, फिर ये सही हो जाएगा। मेरे प्रियो यीशु मसीह आपके जीवन में चर्च आने से पहले बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो आपके स्वभाव को बदलने के लिए आपका पुराना मन निकालता है और नया मन आपको दे देता है और आप एक अच्छे विश्वासी बन जाते हैं, बोलो हालेलुया। अदरवाइज जिन लोगों का मन चेंज नहीं होता है उनका स्वभाव भी लड़ाई वाला, गालियां, झगड़े, नशा, अविश्वास, वहम, कष्ट, ये सारी चीजों में फंसा रहता है। लेकिन प्रभु जब आपका मन बदलता है, आपका हृदय बदलता है, आपका जीवन अपने आप बदलना स्टार्ट हो जाता है, बोलो हालेलुया। इसलिए कष्ट, जब दुख आता है, कष्ट दुख आपके जीवन का हिस्सा है, इससे डरे ना, उसमें प्रभु की कोई इच्छा होती है। आज बहुत सारे लोग अपमान का, निंदा का सामना कर रहे हो सकते हैं, दुख का सामना कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोग चर्च आते हैं, एक दो संडे टेस्ट करते हैं खुदा को, वो सोचते हैं मैं चर्च गया मेरा काम नहीं हुआ, मुझे बरकत नहीं मिली। अरे भाई तुझे कभी बरकत नहीं मिलेगी क्योंकि तेरा मन अभी तक चेंज नहीं हुआ, तू यीशु मसीह को लाजर की तरह प्यार नहीं करता है। उसकी बहनों ने कहा प्रभु यीशु जिससे तू प्यार करते हैं वो बीमार हो गया है। मेरे प्रियो आज अगर आप यीशु के प्यारे हैं और आपके ऊपर बीमारी आती है, मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में यीशु बीमारी को चंगा करने के लिए आ रहे हैं, यीशु मसीह आपकी समस्या को दूर करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप कपड़े अच्छे पहनते हैं या आप बहुत एजुकेटेड हैं, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, बोलो हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, अय्यूब की किताब उसके 23 अध्याय उसके 10 वचन से, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। कितने लोगों ने यह वचन सुना? सब बोलो चाल, चाल चलन, सब बोलो चाल, चाल। वो बोला कि मैं जानता हूं कि मैं कैसी चाल चला हूं। आप कैसी चाल चलते हैं आपको ज्यादा पता है,
कितने लोग अपने चाल चलन को जानते हैं कि मैं कैसे प्रभु के साथ चलता हूं? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। अगले संडे सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। बोलो हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? वो कहता है मैं अपने चाल को जानता हूं, मैं अपने चाल चलन को, मैं प्रभु के साथ कैसे चलता हूं समझता हूं, और जब वह मुझे तालेगा, जब वह मुझे परखेगा, तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। जब कष्ट, अपमान, निंदा, बीमारी आपके लाइफ में आती है, परमेश्वर आपको परखता है और वो आपको सोने की तरह निकाल देता है। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर आपके अंदर की क्वालिटी को निकाल रहा है। प्रभु आपको कोयले से हीरा बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाना चाहता है। प्रभु चाहता है आप एक अच्छी गवाही देने वाले बिलीवर हों। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर ये भाई प्रभु के साथ चल रहा है, ये अच्छी गवाही है। इसने अगर बुरा काम कर दिया, इसकी गवाही खराब हो जाएगी। प्रभु इसलिए परीक्षा से निकालता है ताकि आपकी अच्छी गवाही बन सके, आप एक गुड टेस्टमनी देने वाले हो, आपकी लाइफ दूसरों के लिए एग्जांपल हो और वो बच जाएंगे। बोलो हालेलुया। वो कहता जब कभी प्रभु ने मुझे ताया, आज परमेश्वर आपको आग से निकाल रहा है। क्या लकड़ी को आग से निकाला जाता है? पीतल को, सोने, पीतल को, चांदी को, या किसी और चीज को? सबसे ज्यादा सोने को जब आग से निकाला जाता है तो वो कभी भी भस्म नहीं होता, बल्कि और शुद्ध हो जाता है। आज प्रभु चाहते हैं आपकी लाइफ में जब दुख आए, कष्ट आए, पीड़ाएं आए, आप बिल्कुल घबराएं ना। वो पीड़ाएं परमेश्वर जानता है क्यों है, वो दर्द प्रभु जानता है आपके ऊपर क्यों है, और परमेश्वर उस दर्द को अलाउ किया है। अलाउ, बाइबल कहती है अय्यूब के लाइफ में जब बरकतें थी, आशीषें थी, तो शैतान परमेश्वर के पास जाता और कहता है मैंने तेरे बंदे को देखा है, तूने उसको बहुत ब्लेस किया, अपना जरा थोड़ा सा हाथ उठा, फिर देख वो किस तरह से तेरा इनकार करते हैं। परमेश्वर ने उसको अलाउ किया, परमिशन दी कि जा, चला जा, लेकिन उसकी जान मत लेना। जब आपकी लाइफ में एक विश्वासी होने के बाद भी, एक बिलीवर और एक सच के साथ चलने के बाद भी दुख आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो दुख खुदा ने खुद अलाउ किए हुए हैं, लेकिन वो दुख आपको मार नहीं सकते, आपका नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको अंदर से तैयार कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए स्ट्रांग होना मेरे प्रियो, मजबूत होना, दुखों में, कष्टों में डरना नहीं, घबराना नहीं। अय्यूब से ज्यादा दुख किसी के ऊपर नहीं आया, लेकिन वो डरा नहीं, वो परीक्षा में खरा रहा। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है दानियल शेरों की मांद में जब डाला गया, अगर आज का बिलीवर होता तो वो कहता शेर मुझे खा जाएंगे, लेकिन उसके मन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि शेर मुझे खाएंगे। उसके मन में ये था कि मैं बेदोष हूं और प्रभु मेरा बचाने वाला है। जब वो शेरों की मांद में डाला गया, वचन में लिखा स्वर्गदूत आए और उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आज आपकी लाइफ में जो कष्ट हैं, संकट हैं, परमेश्वर जानता है। जिसे वो प्यार करता है उसे वो ताड़ता है, उसकी परीक्षा भी करता है। बाइबल में लिखा है 11:3 में कि लाजर बीमार था और मरियम और मार्था ने कहा यीशु जिसे तू प्यार करता है। आज परमेश्वर आपको भी प्यार करता है और वो आपको बचाने के लिए आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बचाने के लिए आ रहा है, आपकी लाइफ के दिन परमेश्वर चेंज करने के लिए जा रहा है।